हे hey दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लिज जीवीएस फार्मा के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 77.15 इसकी करंट प्राइस चल रही है और हमें लगभग कल के दिन 7.38% जो है स्टॉक ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग होते हुए भी दिखाई दे चुका है। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमने इस पे प्रीवियसली भी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने बताया था कि स्टॉक जो है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। मल्टीपल टाइम इसी सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके हमें ऊपर की ओर बाउंस होता हुआ दिखाई दे चुका था। तो यहां से अगेन हमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहां से और भी ऊपर की ओर बाउंस कर सकता है, तो वैसे ही हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो, यहीं से स्टॉक जो है ऊपर की ओर बाउंस होता हुआ दिखाई दे चुका है। यहां पे ऊपर की ओर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको भी हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, इसके चलते स्टॉक में फर्दर हमें तेजी और भी ऊपर की ओर कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर से आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इसमें जो है फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं, तो जल्दी हमें इसमें और भी ऊपर के अच्छे लेवल्स अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। MACD इंडिकेटर की भी बात करेंगे तो एक बुलिश क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला है और जीरो लाइन के ऊपर भी ग्रीन बार जो है बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अगेन मजबूती का सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं इसका स्कोर कार्ड, लास्ट फोर ईयर का फाइनेंशियल ट्रेंड और एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ जो है लो देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक जो है अंडर प्राइसड है लेकिन ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, जो कि दोनों भी पॉजिटिव है, जो इसके चलते आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान बना सकते हैं। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, नो रेड फ्लैग शो कर रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री का प्लान बनाते हैं तो नो रेड फ्लैग देख के ही उसमें एंट्री बनाए। तो चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं इसका लास्ट फोर ईयर का फाइनेंशियल ट्रेंड। 2019 से 2022 तक का लास्ट फोर ईयर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं 21 को 22 को, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यू को तो जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि नेगेटिव बात है। तो चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं इसका फोरकास्ट, एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। दोस्तों, अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक का यूज करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। फोरकास्ट डेटा इज करंटली अनअवेलेबल बता रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम स्किप कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं एंजल वन ऐप में। दोस्तों, हम आ चुके हैं एंजल वन ऐप में। सिंपली यहाँ से वॉच लिस्ट में आ जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद सर्च बॉक्स में हमें स्टॉक का नाम सर्च करके उसको हमारी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। हमने पहले ही इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है, जैसे कि हम ब्लिज यूएस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पे इसकी करंट प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे आप इसका चार्ट्स भी देख सकते हो, स्टॉक की डिटेल्स भी आप यहीं से देख सकते हो। हमने जस्ट ही चार्ट पे इसका एनालिसिस किया है तो यहाँ पे हम बाय पे टच करेंगे। बाय पे टच करने के बाद यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक यहाँ पे डिलीवरी का है और एक यहाँ पे इंट्राडे का है। तो अभी हमें यहाँ पे इंट्राडे में करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्वांटिटी एंटर करेंगे। मान लीजिए हमें 100 क्वांटिटी बाय करना है तो हम यहाँ पे 100 एंटर कर लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, लिमिट और मार्केट का। लिमिट यानी कि स्टॉक को आप अपने मनपसंद प्राइस पे खरीद सकते हो, जैसे कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 78.40। अगर आपको इसको 78 पे बाय करना रहेगा तो आप यहाँ पे 78 एंटर करेंगे और बाय पे टच करने के बाद जब भी स्टॉक की प्राइस वहाँ पे जाएगी आपका ऑर्डर जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट का एक ऑप्शन दिया है, मार्केट रेट यानी कि जो भी करंट प्राइस चल रही थी उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी यहाँ पे नीचे के साइड में बाय का ऑप्शन दिया है, बाय पे हम टच करने के बाद यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा। कंफर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए Take care.